नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बेरहम इंसानों से तो जानवर ही अच्छे। ताऊ का अपनी भतीजियों और छोटे भाई की पत्नी पर थर्ड डिग्री टॉर्चर। रोंगटे खड़े कर देने वाली बेरहम पिटाई। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद जिले के गांव जमालपुर में मानवीय संवेदनाएं हुई तार तार। जी हाँ, जेठ के परिवार वालों ने मिल करके घर की बहू और तीन नाबालिग बेटियों को पूरी तरह से पिटाया। 3 दिन तक रखा कमरे में बंद, नशे की गोलियां देकर रखा नशे में। पीड़ित महिला ने जेठ और जेठानी पर मारपीट करवाने का लगाया आरोप। मारपीट के पीछे बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था। एसपी से मिलने के लिए आया पीड़ित परिवार। 3 दिन बाद महिला के परिवार वालों ने छुड़ाया। 15 दिन से पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा था इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद जिले के गाँव जमालपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। परिवार वालों ने जानवरों की तरह की पिटाई। महिला और उसकी 3 बेटियों को नशीली दवा देकर के 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा, जिसके बाद पुलिस की मदद से 3 दिन बाद उन्हें छुड़वाया गया। वहीं पुलिस पर भी कोताही बरतने का आरोप भी लगा है। आरोपियों के खिलाफ पॉस्को सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 दिन पहले ही नहीं बल्कि अब तक 15 दिन पूरे हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे साफ जारी है कि महिला सुरक्षा की हवा निकल चुकी है। कहीं ना कहीं दावे भी झुठलाए जा रहे हैं। अगर इस महिला की पूरी कहानी आप सुन लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों बच्चियों और महिला की पिटाई के अगर निशान आप देख लेंगे तो रूह कांप जाएंगी आपकी। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर के प्रशासन के दावे तो अक्सर किए जाते हैं, मगर महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला गांव जमालपुर में सामने आया है, जहां परिवार के लोगों ने मिलकर के एक महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों को जानवरों की तरह बदतर पीटा। महिलाओं और बच्चियों के शरीर पर बड़े निशान, चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मगर ऐसे हालात में मर चुकी मानवीय संवेदनाएं और पुलिस या रवैया उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर लगवा रहा है। दरअसल गाँव जमालपुर के एक परिवार से एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। घर वालों को शक था कि उसकी लड़की को भगाने अथवा लापता करने के पीछे उन्हीं के घर वालों और बहू का तथा उनकी बेटियों का कहीं न कहीं इसमें हाथ हो सकता है। बस फिर क्या था, परिवार के लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के चारों बेटियों को इस कदर पीटा कि कोई जानवरों को भी इस तरह से नहीं मारता। आरोप है कि पीटने वाले लोगों ने माँ बेटियों को कपड़े उतारकर उनकी पिटाई करवाई गई। मामला बाहर न जाए इसके लिए आरोपियों ने उन्हें नशीली दवा देकर के 3 दिन तक घर में भूखा प्यासा रखा और उन्हें कमरे में कैद किया गया था। इससे वे एक बेहोश बच्ची, जब उसे होश आया तो उसने अपने ननिहाल मामा से संपर्क किया और उसे सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद मामा करमवीर ने पुलिस की मदद से अपनी बहन और भांजियों की उनको चंगुल से छुड़वाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस को मामले की शिकायत भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत व कई अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि पुलिस का रवैया उनके प्रति सहयोगपूर्ण नहीं है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। 16 तारीख को ही मैंने नीचे लेके आए, पहले इस गुड़िया को बुलाया, मैंने इस लड़की को खुद भेजा, भी जा तेरे ताया कोई पूछताछ कर दो होगा भी चल जा। दूसरी लड़की मन पता नहीं था भी इतनी मारपीट हुई है इसके ऊपर, फिर दूसरी को बुला, दूसरी को भेजा, फिर उसने मारपीट करी, फिर मन दो लड़कियां माँ और बेटी को गुड़ी इसके लेके आई, नीचे लेके आई जी, लाइट बंद करके मन चाह रहे बहुत बुरी तरह पीटे जी, बहुत बुरी हालत, बहुत नहीं गलत नहीं थी सी मारा, बहुत जगह जगह हाथ में लगाए जी, बहुत बुरा हाल करे जी मारे, 11 बजे तो लेके 3 बजे तक मन अंदर ही पीटे, उसके बाद जब 3 बजे तक बाद मन बाहर कटिया या मन तो अंदर 3 लड़कियों को नशे की गोली दे के अंदर पा दिया, और मन तो पता नहीं रहा है लड़की के कपड़े फाट गए थे या बदलने का खातर ऊपर चली गई, नाले इसके साथ एक दीप नाम का लड़का चढ़ गया, उसको वो कहने लग गए मेरे सामने कपड़े बदल, इस लड़की ने उसके सामने कपड़े बदले, उसने मानना बहुत बेशक करी बहुत ज़्यादा,
तो जिसने पिटा वो पांच जने थे, एक दीप था, एक सोमी था, एक अमित, एक जीवन था, एक अमित था, एक रिंकू था। किस लिए पिटा है आपको? मेरे को बस ऐसे पिटा, उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, तुम बेड कहाँ से लेके आई है, ये अब जमीन बंडाएगी, अब ये बेड क्या बेड लेगी, आज ये शीशे क्यों बनाए हैं, इस तरह करके पिटे। मानो तो इसी तरह ही पिटा जी, मानो कुछ नहीं पता था इसके बारे में भी, मानो किस बस वजह से पिटा, बस इसी तरह ही पिटा भी, भी अब जमीन बंडाएंगे, अब ये डिश बनाएंगे, आज यह सोफे लेके आए थे जी इकट्ठे, उसमें से आधा हिस्सा मेरा था, मैं उस ऊपर ले गया, अब सोफे लेके जाओगी, ऐसे ऐसे करके मेरे को पीटा। तो आपकी बच्चियां भी पीटी? हाँ, मेरी लड़कियां भी चार हैं। कितनी बेटियां आपकी? मेरे पास चार लड़की। तो पीटा किस किस को है? पीटा एक अंजलि, कोमल, नेहा, अंजलि को। अच्छा, पढ़ती है बच्चियां ये? हाँ पढ़ती है। तो अभी आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी थाने में? हाँ हाँ जी जी। ये 16 तारीख की घटना है, रात को हम 11 बजे सोए पड़े थे जी, मेरे ताए जी वो ऊपर आए थे जी एक लड़के के साथ, और मेरी बड़ी बहन को लेके जा रहे थे, मेरी मम्मी ने बोला कि चली जा, कोई पूछताछ करेंगे, तो वो धोखे से जी मेरी बड़ी बहन को नीचे लेके गए जी, 2 मिनट बाद वो आए, फिर वो मेरी बड़ी उससे छोटी बहन को भी ले गए, फिर जी मेरी मम्मी को और मेरे को जी घसीटते हुए जी दोनों को साथ में लेके गए, फिर जी अलग अलग करके कुटा, फिर साथ में लेके कुटा जी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की जी हमारे साथ जी, गंदी नीयत के साथ हमारे कपड़े फाड़े, जब हमने बोला कि कपड़े चेंज करने तो वो पाइपों के साथ मार के ऊपर लेके गए जी, फिर उन्होंने बोला कि सामने कपड़े चेंज करो जी, फिर नशे की गोली, 2 दिन तक हमें कमरे में बंद रखा जी, जब कमरे में बंद थे तो मैंने नशे की गोली नहीं ली, क्योंकि मेरे को मेरी माँ की चिक्की आ रही थी, तो मैं मेरे ताए के पास चली गई कि मेरी माँ को बचा लो, हमको बचा लो, हमें बाहर निकलवा दो, तो उन्होंने जी मेरे को पकड़ के, मेरी ताई भी थी जी, उन्होंने मेरे को पकड़ के उस कमरे में वापस धकेल दिया, तो जी जब मेरे को धकेला तो दोबारा मेरे को पिटा, नशे गोली ना लेने के बाद फिर से मेरे को मारा, 3-4 बार फिर मारा, और फिर बोले जी एक कागज लेके आए, कहते कि इस पर साइन कर दो, और धोखाधड़ी से साइन करवाने जाते थे जी नशे गोली दे के जी, हमने जब नहीं साइन किया तो हमें दोबारा मारा, और फिर जब कमरे में लेके 3 दिन तक हम लोग रहे, 3rd दिन जब मेरे मामा जी को पता चला तो वो आए तो हमें उठाने नहीं दिया, तो फिर हम उन्होंने पुलिस बुलाई, फिर हमें लेके गए हैं। आपको किस लिए पीटा था जी? उन्होंने उनकी जो बड़ी लड़की थी वो भाग गई थी जी, वो हमसे जबरदस्ती कहलवाना चाहते थे कि उनका भगाने में तुम्हारा हाथ है। नहीं, आपकी किस पिटा किसने, आपके रिश्ते में क्या लगते हैं वो? जी वो 5 जने थे, वैसे तो हमारे एक तो पड़ोसी हैं जिनका नाम सोमी है जी, एक मेरी मम्मी के उसमें शरीकी में पढ़ते हैं जी, जिसका नाम दीप है जी, दीप ने सबसे ज़्यादा मारा है जी, एक जीवन था जी, और एक अमित और एक गुरमीत, जो अमित और गुरमीत हैं रिंकू, वो जी मेरी सगी बुआ के लड़के हैं जी दोनों। मेरे ताया का भी इसमें हाथ था, प्लानिंग सारी उनकी थी, वो जो बंदे बुलवाए थे, जो दारू दूर लाई थी, सारा हाथ उनका था, तो वो मेरे ताया जी ने बीच बीच में आके हमको मारा भी है जी, तो मार मार के वो बाहर जाते रहे, सारी प्लानिंग उनकी थी। तो आपका ये कहना है मतलब आपके ताया ताई ने मिल के जो आपको मार पिटवाई की है? हाँ जी। अगली तारीख 17 को जी, जब वो शाम को वापस आए थे जी 3-4 बंदों के साथ, तो उन्होंने हमको धमकी दी जी कि आगे किसी को बताने की अगर कोशिश की या फिर कहीं थाने थोड़े में गए तो वो हमें ना पेट्रोल गेर के छिड़क के मार देंगे सभी को, और हमारे भाई बहन भी जी उन्हीं के पास थे, तो हम तो अंदर थे जी, तो उनके साथ उन्होंने हमें बहुत बुरी बुरी धमकी दी, और ये भी कहा कि जो तुम्हारा हाल है जी वो अभी 10% है, अभी 90% रहता है, तो उन्होंने हमको ये भी धमकी दी कि मैं तो पुलिस हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं तो किडनियों के साथ खेलता हूँ, दिलों के साथ खेलता हूँ, तो मेरे रोज़ का काम है। ये बात किसने कही? जी दीप ने कही थी जी, उसने हमें ऐसे ही कह के मारा है जी कि हम मैं पुलिस वाला हूँ, कोई क्या कर लेगा, तुम मेरी वीडियो बना के भेजो, मैं सजा भुगतूंगा, ये बात उन्होंने मेरे ताया जी को कही थी। क्या जी, ये जमाल शेखा से रतिये की भाण जी हैं जी, एक रति की इनकी माँ और रति की हमारी लड़की है जी, ये जमालपुर शेखा ब्याही हुई थी, विधवा जी है, और इसके घर के अंदर जेठ और जठानी का इनका कोई घर का विवाद था, ठीक है जी, उस इन्होंने क्या हुआ जी, 16 तारीख रात को 11 बजे इन्होंने 2-4 आदमी बुला के, 5-7 आदमी बुला के घर पे, इनके जेठ ने और जठानी ने,
और इनको बच्चों को कूटने लगे, तीनों लड़कियों और इनकी माँ को नीचे बुला के इनकी रैश ऊपर है, इतनी कुटी नंगे कर करके पूछा कि मारे बता नहीं सकती, कपड़े तार के कमरे में बंद करके और इतनी चोटें मार रखी हैं जी, हमने उसकी सारी मूवी सीडी बना के जी आपको दिखाई साहब। क्या कारण क्या थे झगड़े का जी? झगड़े का कारण जी, एक तो इनकी डिस्क का रोड़ा कोई जो केबल कनेक्शन का इसको आ गई, इसके पति की लगाई हुई थी, उस जमीन का बांटन का रोड़ा था जी, जेल पहले वो ठेके बीजे करता ये अलग होगी, आप जमीन का भी मेरा ठेका दो, ये गुस्सा था इनको ज्यादा जी। तो डिस्क का क्या रोड़ा था? डिस्क कनेक्शन जो लगते हैं उसका 1,00,000 रुपये महीने की आमदन है जी, इसके पति की लगाई हुई थी, वो लोग जेठ पैसे ले रहा था, जेब मांग रही थी जी। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद जी क्या नाम है, 3 दिन के बाद जब इनको नशे की गोली दे के डाल, इनको परिवार को रतिया वालों को नहीं बताया, 3 दिन नशा देते रहे। उसके बाद जब इनको पता लगा, रतिया परिवार भी गए सारे वहाँ लेने के लिए, भाई इसका मामा वहाँ जाके जी, उन्होंने कहते हम ठाणे नहीं देते, ना मिलने देते, जो करना कर लो जी। फिर जाके ठाणे से पुलिस लेके आई, पुलिस साथ आई, पुलिस ने अपने कमरे से छुड़वा के लेके गई टवाणा के अंदर। जब टवाणा हॉस्पिटल में लेके गई जी, डॉक्टरों ने कहते मेडिकल ही नहीं करते हम, वहाँ 3 दिन के अंदर इन्होंने सारी सेटिंग कर ली डॉक्टरों के साथ। उसके बाद बड़ी बेरहमी से मसा हमने हाथ जोड़ के डॉक्टर के पास दाखिल कराई, और उस बाद के अंदर साथ की साथ ले जो ग्रोह ले जो ग्रोह ले जो ग्रोह ले जो, इनको ग्रोह ठा दिया। ग्रोह भी जाके सारी सेटिंग थी डॉक्टरों के साथ, उन्होंने भी दवा दब 2-3 घंटे में दवाई दे के इतनी कुट्टी मारी, आंखें इनकी सूजरी थी, उनको भी छुट्टी कर दी। तो पुलिस लड़की कान भी फटा हुआ लड़की का, पुलिस में कोई शिकायत इसकी थी? इसकी जी। उसके बाद नहीं पुलिस को तो बाद 23-24 का पर्चा काट दिया, बनता कुछ था बना कुछ दिया, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई? फिर बाद में हम मिले जी SHO साहब को, डिप्टी साहब टमाणा को भी, हमने देखो क्या हालात है मूवी देखो। फिर उसने 154 को जज साहब के बयान कराए जी, फिर जज साहब ने सारी मूवीज बच्चियों के हालात देखे, फिर फोर्थ सेक्टर लगाया जी, फिर IO को खींचा भी जी क्या दोनी हरकत नहीं है, इतना बुरा हाल है, आप इसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते। फिर उसके बाद जी सारा मेडिकल वगैरह फिर सारी चीज़ जवाए, अब फिर इन्होंने केस अब कह रहे हैं जी फतेहाबाद चला गया आपका, टवाणा वाले कह रहे हैं भी महिला IO देखेगी इसका, अब कह रहे हैं जी चलो जी आप तुम्हारे बयान होंगे DSP साहब के, हमको फतेहाबाद भेज दिया पहले, आप कहते जी टवाणा आ जाओ जी, ऐसे चक्कर कटा रहे हैं जी, समझ से बाहर हो। क्या इनकी सरकार में सेटिंग है किसी में, तो कोई उच्च अधिकार, ये तो कोई पार्टी सिस्टम चल रहा है, जैसे कोई अप्रोच तकड़ी है इनके पास जी। ठीक है।